सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे या बोल भी रहे थे, कुछ लोग सॉरी को खेल, सॉरी को खेल, सॉरी को खेल। लो फिर खेल रहा हूँ, ठीक है। ग्रे हेज विलेज में पहुँच चुका था 10 दिन पहले, और माफ़ करना मैं वो वीडियो नहीं बना पाया ग्रे हेज विलेज तक पहुँचने की, क्योंकि गाइस उसमें कुछ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ रही थी। बट एनीवेज, अब ग्रे हेज विलेज से आगे का सफ़र शुरू करते। तो पिछली बार जब मैं वीडियो बना रहा था, इन ये लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। ये देखो, समवन लॉक द फ्रंट डोर फ्रॉम इनसाइड। तो मैं क्या करूं, समवन लॉक द फ्रंट डोर। ये बंदा अपनी कहानियां जड़ता रहता है, द ईविल लर्क्स इन केव्स। सो गाइस, उस घर के ऊपर ना कुछ तो है। क्या पता हम ऐसा कर सकें कि उस घर का जो मटका है ना, मतलब दरवाजा, वो हम इस घर से, मतलब इस मटके से तोड़ सकें। अब इसको मैं लेके ऊपर तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्या हो सकता है इससे। सो गाइस, अब ये मटका लेते हैं और ये हम कूदे, जल्दी से दौड़ के वहां चलते हैं। तू क्या कह रहा भाई? स्नो बग्स एंड नास्ती। ये बंदा हमें पहाड़ों पे भेजना चाहता है, पता है। ओके, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। समवन लॉक द फ्रंट डोर फ्रॉम इनसाइड। अरे बुड़बक, तो मैं क्या करूँ। आगे बढ़, चल आगे बढ़। हेलो, तो मैं क्या करूँ। लॉक द फ्रंट डोर फ्रॉम इनसाइड। चल यार, तू दिमाग खा गया। अब गाइस, ये मटका नहीं यार, इससे भी कुछ नहीं हुआ। बता ना कैसे जाऊं भाई, हद है। पीछे भी एक मटका पड़ा हुआ है। समवन लॉक द फ्रंट डोर फ्रॉम इनसाइड। भाई तू एक बात, ए यार अटक ही गया, अलग ही प्राणी है भाई। एक बात मुझे कोई बता बता दो कि मैं इस स्टेटमेंट का करूं क्या, ये जो बोले जा रहे हैं समवन लॉक द फ्रंट डोर फ्रॉम इनसाइड। यार मेरे ख्याल से ना मुझे पीछे जाना चाहिए यार, बिल्कुल। एक और मटका है, हाँ है। मैं ना ऐसा करता हूँ, इस मटके को उस मटके के ऊपर रख देता हूँ, फिर हम उस घर के पीछे जा सकते हैं, और जो पीछे उसका एक मटका पड़ा हुआ है ना, उसको हम इस घर के ऊपर फेंक के इस घर को तोड़ देंगे। वैसे ही बड़ा कमज़ोर सा घर लग रहा है ये बंदा, अभी ग्लिच कैसे हो गया था अच्छा खासा। ओके, मैं इन दोनों मटकों के ऊपर चढ़ चुका हूँ और मैं कूद नहीं पा रहा। यो गाइस, पहुँच गए। अब हम ये मटका उठाया, तो ऐसे टूट। ओ भाई, मैं घर के अंदर घुस गया। अ मिस्टीरियस हाउस, वाओ। अच्छा भाई साहब, ये क्या चीज है? ओ ग्लिच्ड प्राणी, एरियन द वाइल। भाई साहब, तू तो कुछ गदरी धाकड़ प्राणी लग रहा है। ओ भाई, दो दो की डैमेज पहुंच रही, इसका एक अटैक लगती। चल यार, भाई साहब, ये तो गदरी प्राणी है कुछ। भाई मैं पीछे रहना चाहिए इससे, पागल ही है कुछ। ये मेरे से आगे नहीं पहुंच पाएगा। ओ पहुंच गया, पहुंच गया। शिट शिट शिट, भाई साहब मैंने इसको मार ही डाला अरे भाई, ये तो हड्डी पहलवानी के डब्बा सा आया। ओ भाई, नई तलवार, अचीवमेंट अनलॉक्ड, गॉड आइटम द थॉर्न। वाओ गाइस, फाइनली हमें एक नई तलवार मिल चुकी है जिसका नाम है द थॉर्न, और ये हमारी पिछली स्वॉर्ड से तो काफी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड लग रही है। ओके भाई साहब, ग्रे हेज विलेज, फाइनली हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तलवार थी, तभी ये कह रहा था अपर रूट लीड्स टू स्नोई माउंटेन्स। मैं कह रहा था नहीं, मुझे पहाड़ों में पहुंचाना चाह रहा, कहीं पागल बंदा है ये पूरा। खैर गाइस, ग्रे हेज क्रॉसिंग। ओके, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, और ये कुछ ग्रे हेज क्रॉसिंग, ठीक है। वो बंदा कहता था अपर रूट लीड्स यू टू माउंटेन्स। ओके, यही अपर रूट। बट अभी मुझे यहाँ नहीं जाना, क्योंकि मैं नीचे खजाने का डब्बा देखा था, खजाना लेके जाएंगे भाई, बड़े अच्छे पैसे पूसे मिल जाते हैं उसमें। ओके, ये पर्पल टाइप चीज क्या है, कोई राक्षस टाइप है ये तो कुछ। सो गाइस, ये पर्पल पर्पल जो है ना, वो कुछ राक्षस टाइप लग रहा है। तो अब इस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि ये खजाना मिलने से रहा, इसके लिए बहुत ज्यादा लंबी जंप मारनी पड़ रही है, जो मेरे ख्याल से इस ब्लॉक से तो लगेगी नहीं। और ऊपर से जो राक्षस जैसे कीड़ा, मुझे इसका बड़ा डर लग रहा है यार, मार ना डाले कहीं। ओके छोड़ो, अभी
आगे बढ़ते हैं। ये क्या झूला टाइप है टूटा सा। ओके ये क्या मकड़ियां नाच रही हैं। और नाचती मकड़ियों निकलो, वेस्ट वॉकर्स, वेस्ट ही हो तुम इस गेम में। निकल, थॉर्न है मेरे पास, अभी अभी लेके आया हूँ उस पागल से। खैर गाइस वो सब तो ओके, इस झूले का क्या काम है अब वो देखते हैं। वहां पर एक जगह है। ओके गाइस मैं समझ गया, जैसे डंकन ऑफ फ्लोरिनम में हम उस ब्रिज जैसे को तेज नहीं करते थे, वैसे हमें इस पे अलग अलग जगह कूद कर इसको तेज करना है और उस लैंड तक पहुंचना है। और यहाँ और मकड़ियां कैसे आ गई, अभी तो मारी मैंने भाई, बहुत हेल्थ लो करती हैं। चलो, और वो हड्डी तो बहुत ही ज्यादा हेल्थ लो कर रहा था जिससे हम अभी अभी ये तलवार लाए हैं। अरे भाई चल, उफ भाई सब बहुत मुश्किल है गाइस ये खजाना पाना तो। बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं एकदम से उस पर लैंड पर कूद जाऊं जैसे ये तेज होता है, कि मैं इसको थोड़ा सा तेज तो कर ही पा रहा हूँ। थोड़ा सा और हो जा, हो जा, हो जा, यस। अगर बटन सही से काम करे ना, ये काफी तेज हो जा रहा है। ओके ये क्या हुआ। गाइस फाइनली 1 घंटे बाद हम यहाँ पर पहुंच ही चुके हैं, बहुत ही ज्यादा एपिकल मोमेंट, मतलब एपिक मोमेंट। और अब मैं इस खजाने को खोल रहा हूँ, इतनी खुशी, ओह फाइनली। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं ग्रेहेज विलेज। अच्छा यहाँ से भी सेम ही रास्ता आना था, अभी मकड़ियाँ आ जाएंगी। चलो हटा यहाँ से, मान लो कोई जगह नहीं है, तो तुम्हारी ऐसी की तस्वीर निकलो। अब मुझे खजाने का डब्बा खोलने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर भी एक खजाना है यार, पर वो पर्पल जैसा जो कीड़ा है ना, मुझे उससे बड़ा डर लग रहा है। वो कहीं ऐसा ना हो ना कि कहीं बॉस बूस निकल जाए, उसने मेरा काम तमाम कर दिया और फिर मैं यहाँ पहुंच ही ना पाऊँ। यार ऐसे कीड़ों से ना सावधान रहना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि जाना कहाँ पर है। और गाइस पिछले एपिसोड में जब मैं बना रहा था, जो कि डिस्ट्रैक्ट हो गया कुछ वॉइस की गलती से, तो उसमें एक जो बंदा था ना, वो जो हमें पहाड़ों पे भेजना चाह रहा था, वो कुछ ये भी कह रहा था, जंप इनटू द सेकंड पिट। अब मेरा उसका मतलब नहीं समझ आया, जंप क्यों करना है सेकंड पिट पे, और ये हम कहाँ पहुंच गए, वेस्टलैंड्स। रुको यार, ये हम गलत जगह पहुंच गए, वेस्टलैंड्स क्यों जाना है हमने यार। अब मैं इन मकड़ियों को नहीं मारूंगा, बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। हड़ो हड़ो रास्ते से हटो, आओ आओ पीछे ही आओ तुम लोग मेरे, यू कैंट चेज मी। मुझे इसके ऊपर फिर चढ़ना पड़ेगा फाइनली। अब आओ मकड़ियों, हिम्मत तो है नहीं तुम्हें आने की। यार ऊपर को भी एक रास्ता जा रहा था ना, पहले वहां पर जाते, ऊपर वाला रास्ता हमें गेम में सही जगह ले गया एकदम। वैसे आई एम नॉट सो श्योर कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, बट लेट्स सी ऊपर वाली जगह पर। अरे भाई क्या हो गया, चढ़ ऊपर और चमकादड़ ये ले, ये तेल ले, बिल्कुल सही डोज है। ओके ये तो सही जगह हम पहुंच ही जा रहे हैं। ओके गाइस मैं उसकी बात का मतलब समझ गया, जो वो कह रहा था जंप इनटू द सेकंड पिट। देखो पहला पिट ये है, ये वाली खाई, दूसरा पिट होगा ये, तो मतलब गेम का ये एक हिंट है कि मुझे यहाँ पर जाना है, ग्रे हेज केव्स। वाओ गाइस अचीवमेंट अनलॉक, ट्रेजर हंटर। अरे हम है ही प्रो बंदे, यू लेवल्ड अप। ओके गूगल प्ले गेम्स में मेरा लेवल 16 हो गया। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओ बैंडेट, डार्क बैंडेट। अच्छा तू डार्क है, डार्क बैंडेट। अरे भाई मार मत, दोस्त तू मैं तेरा। अच्छा उड़ता भी है तू, चल चल उड़ और उड़, यहाँ तो कुछ है ही नहीं गाइस। वेले हम इस बैंडेट को मारने आ गए, अब क्या करें यहाँ पर, खुराफाती काम करने मुझे कुछ, यू डोंट नो। यार जब हम उन्हें उस राजा से मिले थे ना, तब वो कह रहा था कि हमें किसी ग्रेट केव्स नाम की जगह पर जाना चाहिए जहां पर हमें तीसरा शार्ड मिलेगा। ग्रेट केव्स के अंदर कुछ फायरी डेप्थ्स कह रहा था गाइस। वो बंदा कह नहीं रहा था कि स्नो माउंटेन्स में भी, हम अब स्नो माउंटेन्स में आ तो चुके हैं, बट ये कोई पोर्टल है, स्नोई स्लोप्स। वाओ हर कुछ ही। हाँ ये यार, ये राक्षस जहाँ भी होता मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी मेरे पास एक पोर्टल है, मैं वहाँ से कहीं ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता लग चुका है ये स्नोई स्लोप्स यहाँ पर है। बट गाइस
देखो ये एक जगह है ग्रे हेज विलेज, जिसके आगे एक स्टार और है जहां पर वो राक्षस है, मतलब कि एक ट्रेजर और बचा। तो ग्रे हेज विलेज से आगे पहुंचने के लिए रास्ता मुझे अब समझ आ रहा है, कोई ऐसा रास्ता है जो हमें वहां पर ले जाएगा उस ग्रेट केव्स नाम की जगह जो कि वो राजा कह रहा था। अब उस ग्रेट केव्स के अंदर हमें फायरी डेप्थ्स ढूंढनी पड़ेंगी। हे दे डिस्ट्रॉयड माई हाउस, कौन है भाई तू? ये देख, यू कैन ऑलवेज यूज द बैक डोर, मैं कह रहा था ना, ये यही कहता रहता है। अब गाइस हमें उस जगह को ढूंढना ही पड़ेगा। अब देखो, हम पहले ऊपर वाले रूट में गए थे, अब हम अगर नीचे वाले रूट में जाएं, ये वो राक्षस एक बार ट्राई कर लेता हूँ, नहीं पहुंच पा रहा मैं। जाऊँ अभी, यहाँ मकड़ियाँ मिलेंगी तो मुझे इनसे सावधानी से जाना है और अच्छे से जाना है। चलो मकड़ियों भागो, आगे एक और मकड़ी होगी शायद से, उसको मैं मार ही दूंगा, पर मन नहीं है मेरा, मैं भाग ही जाता। हे गाइस, फाइनली हम वेस्ट लैंड फिर से पहुंच चुके हैं, एंड आई डोंट नो अब यहाँ वेस्ट लैंड में क्या होगा। ओके, ये एक अजीब सी जगह आ चुकी है। ये क्या गिरा? ओ भाई, डायर केवलर कर भाई, एक और आ गया। हट, यहाँ क्या है? नीचे। ओ खाई है, मुझे लगा नीचे को भी रास्ता जा रहा है कोई। ओके गाइस, ग्रेट केव्स, फाइनली गाइस हम ग्रेट केव्स में पहुंच चुके हैं जो कि वो राजा कह रहा था। फाइनली हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और मेरी हेल्थ पूरी नहीं है, मैं हीलर के पास एक बार फिर चल जाता हूँ। यार इस वाले हीलर के पास नहीं, बहुत दूर है, सिटी ऑफ फ्लोरिनम। ये सही है, अपना हीलर सामने ही मिल जाता है। ओके गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे दूसरे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ उसको भी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अब हम अपनी अगली जर्नी ग्रेट केव से शुरू करेंगे। मैं कह रहा था ना, इधर को भी एक रास्ता जा रहा है, इसके मैप को ना देखते रहो ध्यान से, तभी तुम्हें इसके असली रास्ते समझ आएंगे। ओके गाइस, अब हम अगली वीडियो में अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।